अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं यार? आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, दोपहर के 4 बज रहे हैं और हम छत पर अभी आए हैं। और ये तरपाल यार सितैन, इसको ऊपर कर दो क्योंकि अब छांव आ चुकी है यार, अब तो ऊपर करना ज़रूरी है, हवा शवा लगेगी मास्टर केज में, ऐसे नहीं तो फिर अकेले से नहीं होता भाई, मदद भी करो, उधर से जाओ। अच्छा मैं आता हूँ। तो यार गर्मी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, अब अगस्त शुरू हो गया है तो मेरे ख्याल में ये महीना भी ऐसे ही जाएगा गर्मी में, क्योंकि अगस्त और सितंबर के फर्स्ट वीक में मौसम नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, अगस्त ऐसे ही रहेगा, हबस वाला महीना होता है ये। तो बस एक ही महीना यार, 3-4 महीने गुजार गए हैं तो ये एक महीना भी गुजर ही जाएगा जैसे कैसे। तो अभी यार टाइम आया है अपनी मछलियों को खुराक डालने का। ये है यार इनकी खुराक और मैं अब अपनी मछलियों को डालता हूँ। देखिए यार फौरन आ गए खुराक के पास और बहुत तेज और एक्टिव है ये मूली फिश, और ये साथ में अभी इसका नाम नहीं पता जो येलो वाली है, मुझे ये नहीं पता मुझे, और वो गोल्ड फिश भी आ गई खाना खाने के लिए माशाल्लाह। तो सितैन आज ना हमने अपनी मछलियों का पानी चेंज करना है, क्योंकि यार 4 दिन हो गए तकरीबन, तो आज लाजमी करना चाहिए हमें पानी चेंज। भाई हार्ड बहुत है, खुल गया, खुल गया भाई, ऐसे हाथ खींच लेता है। हो गया हो गया हो गया, हाँ तो चलो यार इसको आधा होने दो। यार यहाँ पर था पानी और 2-3 इंच कम हो गया है। ये देखें यार प्रेशर की वजह से ना मछली यहाँ पे आके फंस गई और चिपकी हुई है यहाँ पर, बेचारी मूव भी नहीं कर पा रही। तो अब देखना मैं ये बंद करूँगा ना, फिर ये रिलीज हो जाएगी यहाँ से, देखना ये बंद हुआ और ये गई, ये देखें ये चिपकी हुई थी प्रेशर की वजह से चली गई। अब यार ये वाली मछली देख रहे हो, मैं कोने में ठहरी हुई है, हिल भी नहीं रही। भाई इधर हो तो आप, गोल्ड फिश है ये, गोल्ड फिश है यार, सबसे अच्छी वाली जो थी, सबसे प्यारी यही थी, ये मेरे ख्याल में यार ये मर गई तो आप। नहीं नहीं हिल नहीं रही, इस साइड लेके नहीं हिल रही है। एक मिनट मैं देखता हूँ यार, तो एक मिनट, वो भाई मर गई है, ये मर गई है तुराब यार। ये क्या यार, ये पहले दिन से हम देख रहे थे इसको, ये लेजी थी, इसके जो साथ वाली मछली थी ना वो फिर रही है, वो एक्टिव थी, लेकिन ये पहले दिन से लेजी थी और आज देखें ये मरी हुई है। क्या करें, इसको फेंक दें? हाँ इसको हटाओ, अंदर ना डालो ये ना कि उसकी वजह से ये भी बीमार हो जाए फिर। कि ये बंद हो गया, अब तुम खोल दो उसको, अब फ्रेश वाटर आएगा और यहाँ तक फुल हो जाएगा। खोलो 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 खोलो, अब यहाँ से आएगा फ्रेश वाटर और ये सारा जो है ना पाउंड जो है ना फुल हो जाएगा यहाँ तक। तो मैं भी यार जा रहा हूँ नीचे, मैंने वो चावल बॉयल करने रखे थे, क्योंकि काफ़ी भाई मुझे कमेंट्स में कह रहे थे कि भाई डक्स को ना आप चावल खिलाएं, बॉयल चावल। तो आज मैंने ये रेसिपी बनाई कि यार इनको बॉयल चावल देते हैं और देखते हैं ये खाते हैं या नहीं खाते हैं। तकरीबन बन गए होंगे ये, तुम क्या देख रहे हो यार? यार मैं वो देख रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए ना पंप और वो उसका फिल्टर वगैरह देख रहा हूँ, मिलता है कि नहीं मिलता, फिर मैं इसको मंगवाते हैं, कल परसों तक आ जाएगा फिर। अच्छा चलो ठीक है, ठीक हाँ। अभी चलो तुम बाहर बाहर, हाँ ऐसे हाँ डाल दो, काफ़ी है ना। तो यार डक्स माशाल्लाह ये बॉयल चावल खा रही हैं और शौक से खा रही हैं, तो आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने मुझे बताया कि यार ये बॉयल चावल शौक से खाती हैं। चलो यार इनको हम बाय बाय करते हैं। तो यार बॉयल चावल हमारी डक्स ने तो बहुत शौक से खाए हैं और हमने रैबिट्स के लिए भी इधर फेंक दिए हैं, अल्लाह करेगा रैबिट्स आएंगी और खाना शुरू कर देंगी, हमने उनका दरवाज़ा भी खोल दिया है। तो अभी यार मैं रैबिट हाउस की सफाई कर लूँ क्योंकि बहुत गंदा हुआ पड़ा है। तो यार तुराब तो कर रहे हैं सफाई, और जो बाकी के चावल है ना मैं डाल लेता हूँ टर्की बर्ड्स को और ग्यूना फॉल्स को, क्योंकि ये भी शौक से खाएंगे। ये गए जी इनके घर, ये देखें जी, और ये मुर्गी हर जगह आके कब्जा कर रही है, पहले रैबिट्स का खा गई है अब इधर आ गई है तुर्की बर्ड्स को खाने के लिए, यार पागल हो गई है ये। चलो तो यार घास तोड़ लेते हैं रैबिट्स का, यहाँ पे फ्रेश होता है और देखें कितना ग्रीन है, तो ये बेस्ट है हमारे रैबिट्स के लिए, बिल्कुल ताज़ा और जो है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना ताकत होगी, तो ये बेस्ट है इनके लिए, इतना काफ़ी होता है एक टाइम के लिए, क्योंकि फिर बचा देते हैं फिर सूख जाता है सारा, तो ये खाते नहीं है फिर, इतना काफ़ी है इनको। अगर ये वाला घास ना होता ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, हम इतना सा घास कहाँ से लेके आते हैं रैबिट्स के लिए स्पेशली, तो ये सही हो गया। चलो सफाई हो गई भाई, गुड 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 गुड, अच्छा है। तो यहाँ पर घास डाल देते हैं हम। तो यार मैंने मछलियों के लिए एक पंप भी है ऑक्सीजन वाला, वो भी मैंने ऑर्डर कर लिया है और वो भी आ जाएगा 1-2 दिन तक, तो वो भी हम लगा देंगे।
तो अब चलते हैं यार मार्केट और लेकर आते हैं बड़ी रैबिट्स जो कि हमारे सेटअप पर बच्चे भी दें। तो मैं यार ये पानी बंद कर लूँ, नहीं तो ये सारा का सारा फाउंटेन भर जाता हमारी गैर मौजूदगी में और हमारी मछलियाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती, बाहर भी आ सकती थी। तो बंद हो गया है, तो चलते हैं यार लेकर आते हैं रैबिट्स। तो यार इस दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे रैबिट्स लाऊँ यार आते ही वो एक हफ्ते के अंदर बच्चे दे दें, पेयर पहले से ही बना हुआ हो। तो बस कोशिश तो पूरी करेंगे कि हमें मैच्योर रैबिट मिल जाए। तो अभी यार हम रवाना हो चुके हैं और जा रहे हैं बर्ड्स मार्केट, तो चलो चलते हैं। यार बर्ड्स मार्केट पहुंच चुके हैं और हम जब भी आते हैं ना इस साइड पे जाते हैं सीधा, आपने देखा होगा। मैं इस साइड पे आज तक नहीं गया, तो अभी यहाँ पर चेक करते हैं इधर नीचे क्या है, मतलब कौन से परिंदे इस साइड पे भी, ये पहले मैं देख लूँ। फिर जाएंगे उधर खरगोशों के पास, वो देखेंगे। पहले मैं ये साइड देख लूँ। अच्छा यहाँ पर है कबूतर जी, इस साइड पे भी कबूतर, भाई सारे कबूतर ही कबूतर। तो भाई यहाँ पे कबूतर ही इस साइड पे, तो आगे ख़त्म हो जाती है मार्केट, तो हम अपने काम के लिए जिसके लिए आए थे हम वही करते हैं, चलते हैं भाई। तो आप तो भाई अंदर घुस गया, पता नहीं क्या ले रहा है। जो चीज़ लेनी होती है ना वो कम लेते हैं हम बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। पत्नी अब क्या देख रहा है? हाँ जी देखो कितना प्यारी है। ये कौन सी फिंच है? जावा फिंच। अच्छा ये वाली, हाँ प्यारी है यार ये भी। यहाँ तो इतने परिंदे हैं भाई, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। चलो भाई आ जाओ, छोड़ दो। ओहो प्यारे हैं भाई, प्यारे हैं। ओहो तो भाई साहब अभी अभी एक चीज़ देखी हमने जो कि बहुत ही अच्छी है, आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर है यार ब्लैक रैबिट, प्योर ब्लैक भाई, यही लेते हैं भाई, दिल आ गया देख के। यहाँ पर भी हैं, ये थोड़े ब्लैक एंड वाइट हैं लेकिन ये प्योर ब्लैक हैं, ये अच्छे लग रहे हैं। मैं लेकिन थोड़ा फिर भाग गया आगे, भाई क्या करूँ इसका मैं। इतनी प्यारी प्यारी बिल्लियाँ, इतनी प्यारी प्यारी, क्या बात है क्या बात है। मरी हुई है? हाँ एक मरी हुई है बेचारी, होए 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 थोड़ी आखिरी सांसें ले रही है। अबे क्या पता सो रही है वो, हम ऐसे ही उसको मार दें। अबे जिंदा है वही हम। चलो यार बाय 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 बाय। तो भाई ये है मार्केट का एंड जहाँ पे बतख होती हैं, डक। भाई 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 आराम से। हाँ ये ग्यूनाफॉल चिक्स हैं यार, उस दिन हम ऐसे नहीं थे लेकिन आज देखो इतने ज़्यादा एक साथ। तो यार इनके रेट्स हमने पूछ लिए हैं, तो कुछ दिनों तक आएंगे ये भी ले जाएंगे, अभी नहीं ले रहे बाद में लेंगे। तो यार फाइनली हमने रैबिट्स ले लिए हैं और हमने सोचे नहीं थे कि हम ब्लैक लेंगे लेकिन देखते ही हमें पसंद आ गए तो इसलिए हमने ले लिए। काफ़ी अच्छे हैं और ब्रीडर हैं ये, जल्दी बच्चे देंगे, मतलब दुआ करें दे दे। तो यार रैबिट्स तो ले लिए हैं, अब जाते हैं अपने सेटअप पर और देखते हैं यार ये कब ब्रीड करते हैं, हैं तो बड़े। जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, ले चलो ले चलो। यार हम तो पहुंच चुके हैं अब घर और यार इनका देखो दमसम तो नहीं घुट गया कोई। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पहले इधर यार देखते हैं इनको खोल के। हाँ पहले पहले इधर ही छोड़ रहे हैं। क्या बात है क्या बात है क्या बात है, सही है भाई सही है, खुश हो रहे हैं खुश हो रहे हैं। नई दुनिया में आ गए, इनके लिए नई दुनिया है। छोटे से पिंजरे में होते हैं ना, फिर ऐसी जगह पर आते हैं तो भाई इनकी तो खुशी का इंतहा होती है। देखें कैसे भाग गए उधर, ज़्यादा दूर जा रहे हैं, पकड़ो उसको भाई, इनको असली घर में छोड़ते हैं, इसको पकड़ के लाओ। ओह भाई भाई ये तो हाथ में नहीं आ रहे, ये तो भाई ओए आराम से ये तो दूर जा रहा है भाई। वो वाला बैठा है अभी लेकिन ये भाई भाग गया है, इसको पकड़ो तुराब। मैं इधर से आता हूँ। ओ घर गया घर गया पकड़ो तुराब, उधर से आगे से आगे से भाई। ओ भाई साहब, ओ यार हाँ हाँ इधर से आओ, चलो पकड़ो तुराब। पकड़ लो पकड़ लो, ओ आ गया आ गया, शुक्र है यार ये आ गया, ये तो शरीफ है ये आ जाएगा हाथ में, पकड़ो इसको आएगा। गलती कर दी हमने इनको छोड़ के यार, चल आजा शैतान। चलो चल चलते हैं यार चलते हैं चलते हैं। ये डर रही है डर रही है, इनसे डर रही है। अब देखते हैं अपने दोस्तों के पास ये ब्लैक वाले रैबिट्स, नए वाले रैबिट्स जाते हैं कि नहीं जाते। ये अपने घर जब जाएगा ना इसको देख के ये जाएंगे, देखना देख रहे हैं अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनको रास्ता नहीं पता। अपने घर जाओ, बड़ा तेज है यार ये भी। ये वाला रैबिट ना इसके पीछे जा रहा है, पता नहीं दोस्ती करना चाहता है या इसको भगाना चाहता है यहाँ से, भी तुम क्या कर रहे हो हमारे घर में। खोल लेता हूँ, शायद अब जा रही है इसके अंदर। एक रैबिट चला गया तुराप, अभी ताज़ा और डाला, इतना ज़्यादा लेके आ गए तुराप। यार खाएंगे क्यों? क्या हुआ क्या हुआ
क्या देख लिया, क्या देख लिया? हाँ जी, न्यू रैबिट्स लाए हम। पता है कौन से कलर के हैं? ये वाले। नहीं, आप इसको दिखाओ, इसका फेवरेट कलर है यार, उस कलर के लाए हम। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? तो यार हमारे सारे रैबिट्स रैबिट हाउस में खाना खा रहे हैं और एक हमारा न्यू रैबिट ब्लैक वाला वो सामने ठहरा हुआ और एक अंदर छुप गया है, तो वो देखते हैं वो कहां पर है। उसने खाना नहीं खाया, जितने अंदर ही छुप गया है, पता नहीं क्यों छुप गया खाना। यार उसको जरूरत होगी खाना खाने की, लेकिन वो छुप गया है अंदर। आ जाएगा यार, नया नया। हाँ, ये छुपा बैठा यार, लेटा हुआ है। ये है, ये है यार। तो यहाँ पर इसको छोड़ते हैं, घास खाएगा। तो अभी यार इनको हम अकेला छोड़ देते हैं, बहुत डर रहे हैं। आ जाओ मशाई, आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो। तो यार ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और बस ये यार दुआ कीजिएगा जल्दी से पेयर बनाए रैबिट्स और जल्दी से हमारे छत पर रैबिट के बच्चे आए, तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह यार कल एक नए टॉपिक के साथ, क्लिक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल शहर में दयात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।